आप लोग घर घर जाइए, लोगों के पास जाइए। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि जी किशन रेड्डी जैसा आपको कैंडिडेट मिला है। बहनों भाई, बहुत ही सौभाग्यशाली है। जी किशन रेड्डी ने लंबे समय तक हमारे साथ काम किया है। इन जनरल मैं नॉमिनेशन की मीटिंग्स में नहीं जाता हूं, लेकिन जी किशन रेड्डी ने इच्छा व्यक्त की तो मैंने कहा किशन रेड्डी आपके लिए मैं आऊंगा और अपनी शुभकामनाएं। मैं कैबिनेट के अंदर भी देखा है, चाहे कोई सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पर अपना विचार, अपने थॉट शेयर करने का काम कोई करता है तो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किशन रेड्डी करता है मेरे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब तक जितने ओक से आपने हमारे जी किशन रेड्डी को विजय दिलाई है, बहनों भाइयों, उससे कम से कम 3 times 3 गुना मतों से हमारे जी किशन रेड्डी को चुनकर आप पार्लियामेंट में भेजिए, अपील करने आया हूं। और ध्यान रखिएगा, आपके बगल की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मलकानगिरी, इटेला राजेंद्रन जी हमारे कैंडिडेट हैं, एक अच्छे ओरेटर हैं और इस राजद यहां पर तेलंगाना में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तेलंगाना गवर्नमेंट पूरी तरह से करप्शन में डूबी हुई है तो हमारे इटेला राजेंद्रन ने बीआरएस गवर्नमेंट को ठोकर मार दिया, उसको त्याग पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की। इसलिए मैं आप सबसे यही अपील करने आया हूँ कि हमारे जी किशन रेड्डी जी को और इटेला राजेंद्रन जी को भारी मतों से विजय दिलाकर आप पार्लियामेंट में भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।